नारायण राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात, बोले सीएम ने दिया एनडीए में शामिल होने का ऑफर। राणे बोले दो दिन में लूंगा एनडीए में शामिल होने पर फैसला। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर राणे ने बनाई अपनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी। एनसीपी को अब आई एल्फिस्टन हादसे की याद, विरोध प्रदर्शन की रस्म अदायगी करके हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। एल्फिस्टन हादसे से सबक लेता नहीं दिखाई देता रेलवे। मुंबई में कई रेलवे स्टेशन पर भीड़ दे रही हादसे को दावत, खस्ता हाल है फुट ओवर ब्रिज। एल्फिस्टन हादसे के बाद कुर्ला में धक्का मुक्की रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की कोशिश, सीढ़ी पर चढ़ने उतरने वाले यात्रियों को अलग करने के लिए पीली पट्टी लगाई। रेलवे की मुहिम पर यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा, बोले रश आवर में ट्रेन पकड़ने की जल्दी में सारी तैयारी धरी की धरी रह जाने का खतरा। 5 अक्टूबर को एमएनएस करेगी एल्फिस्टन हादसे को लेकर आंदोलन। एमएनएस नेताओं ने लोकल यात्रियों से की आंदोलन में शामिल होने की अपील। दाऊद के भाई इकबाल कास्कर के खिलाफ उगाही के मामले में तीसरा केस दर्ज। ठाणे के बिल्डर से वसूली थी 3 करोड़ की रंगदारी। शरद पवार ने मोदी सरकार पर किया वार, जीएसटी जैसे फैसलों के चलते आई मंदी और बढ़ गई बेरोजगारी। बुलेट ट्रेन पर पवार ने कहा मुंबई से दिल्ली चेन्नई या चेन्नई के लिए होनी चाहिए थी बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चलाने पर महाराष्ट्र को नहीं होगा फायदा। आदर्श सोसाइटी के खाते डिफ्रीज करने की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। 2010 में जांच के दौरान फ्रीज किए गए थे आदर्श सोसाइटी के खाते। शिरडी साई बाबा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, 4 दिनों में 4,71,00,000 का चढ़ाव। पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों में थोड़ी राहत, आज रात से पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 2 रुपए सस्ता, केंद्र ने घटाई एक्साइज ड्यूटी। उबर से मुकाबले के लिए बेताब ओला को मिली 130 अरब रुपए की फंडिंग, सस्ते हो सकते हैं कैब किराए। अब सरकार 100 रुपए का नया नोट लाने की तैयारी में, अगले साल मार्च से नए नोट की छपाई होगी शुरू, पुराने नोट चलन में रहेंगे। बुधवार को होगी कर्ज नीति की मध्यावधि समीक्षा, ब्याज दरों में कटौती पर रहेगी नजर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सितंबर में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी, नियुक्तियों में भी तेजी। मर्सिडीज ने उतारा सी क्लास का नया अवतार एडिशन सी, 42,00,000 रुपए है शुरुआती दाम। रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर किया 6.9%, पहले 7.4% जीडीपी की जताई थी उम्मीद। मार्च तक वोडाफोन आइडिया का विलय पूरा होने के आसार, जियो को मिलेगी तगड़ी टक्कर। 200 रुपए की गिरावट के साथ 30,550 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 600 रुपए घटकर हुई 40,200 रुपए प्रति किलो। 213 अंकों की बढ़त के साथ 31,497 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 70 पॉइंट्स बढ़कर 9,859 पर हुआ बंद। संजय लीला भंसाली की पद्मावती के पोस्टर की करण जौहर ने खुलकर की तारीफ, बोले भंसाली विजुअल के मामले में उनका जवाब। वरुण धवन की जुलवा 2 कर रही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन, वरुण ने फैंस से की पायरेसी न करने की अपील।